हाय एवरीवन, इट्स मी इमार खान। सो आज की वीडियो में हम रेंडर करेंगे मॉडर्न आउटडोर सीटिंग स्पेस। सो सबसे पहले मैंने ट्विन मोशन 2022 के अंदर जो मेरा सीन है वो इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद जो भी फर्नीचर इसमें रखा हुआ है मुझे एज इट इज़ पसंद है, लेकिन इसके अंदर टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं। तो जितने भी टेक्सचर्स हैं उनको मैंने रिप्लेस किया है PPR मटीरियल्स के साथ। PPR मटेरियल्स बेसिकली मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके अंदर डेप्थ होती है। तो जितना भी फर्नीचर है यहाँ पे अवेलेबल इस टाइम पे, उस सब के अंदर मैंने जो उनका विजुअली लुक है, जो टेक्सचर दिख रहा है मुझे, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें अभी डेप्थ नहीं है। तो उसके लिए मैंने पहले PPR मटीरियल्स अप्लाई किए हैं सब पे, और उसके बाद जो इनका टेक्सचर मैंने कॉपी किया है उसको रिप्लेस कर दिया, ताकि जब हम रेंडर करें तो हमें क्वालिटी अच्छी लगे, लेकिन जो लुक है जैसा हम चाहते हैं वैसा आ सके। और अगर आप जानना चाहते हैं PPR मटेरियल्स के बारे में, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं और किस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप PPR मटेरियल्स को बनाना चाहते हैं, तो हम वन बाय वन करके सारी की सारी वीडियोज़ कवर कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लांट्स ऐड किए हैं, जितने भी प्लांटर्स हैं उसके अंदर मैंने टेक्सचर्स वगैरह चेंज नहीं किए क्योंकि ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो बैकग्राउंड है, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर गार्डन है, गार्डन के बैकग्राउंड के अंदर अगर हम ट्रीज़ ऐड करेंगे तो लुक अच्छा आएगा। और इसके अंदर जो मैंने ट्रीज़ यूज़ किए हैं वो हैं जिसके अंदर फूल लगते हैं और थोड़े घने हैं, ताकि जो बंदा बैठा हुआ है इस सिटिंग स्पेस के अंदर उसको एक अच्छी फीलिंग आए। और सराउंडिंग के अंदर मैंने डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ यूज़ किए ताकि रिपीटेशन ना हो, और एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, एक लाइट का एनवायरनमेंट होता है, वो क्रिएट हो। और जब हम सामने अपने रेंडर की तरफ देखें या हमारी सीन की तरफ देखें तो एक विजुअली लुक अच्छा आना चाहिए। वो तब आएगा जब आपके पास वैरायटी होगी कलर्स के अंदर। मैंने ग्राउंड के ऊपर टेक्सचर चेंज किया है, ग्राउंड का टेक्सचर अप्लाई किया है, लॉन में जो टेक्सचर यूज़ होता है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्रास वगैरह ऐड करी है, और डिफरेंट टाइप्स की मैंने ग्रास ऐड करी है ताकि वेरिएशन आए। और उसके बाद मैंने जितना भी आपका फ्लोर है, जो पाथवे बन रहा है, उसके ऊपर मैंने PPR मटेरियल यूज़ किए हैं मेगा स्कैन लाइब्रेरी से। अगर वैसे नॉर्मली जो वीडियोस होती हैं उसके अंदर मैं ज़्यादा सीन सेलेक्ट करता नहीं हूँ या सीन में बना के दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि वीडियोस की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, इसीलिए मैं अक्सर वीडियोस कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर और सीन ऐड करता हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस 3D मॉडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग डाउनलोड करें और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें, ताकि आपको भी आसानी हो समझने के अंदर और आपको गाइड आराम से हो सके। या आप चाहते हैं जिस पे फाइल पे मैंने काम किया है ट्विन मोशन 2022 के ऊपर, वो फाइल आप परचेज करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मुझे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके। और अगर आपको कुछ भी पूछना है या आपको कोई भी मसला आ रहा है इस वीडियो से रिलेटेड या और भी किसी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस से, या इसके अलावा कोई आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या आप मुझे फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ।